वहीं एनआईए ने पीएफआई पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। दावा है कि छापेमारी में गिरफ्तार हुए आरोपियों और जब्त डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ कि पीएफआई भारत में इस्लामिक शासन चाहता है, जिसके लिए खूनी खेल खेलने की तैयारी पीएफआई कर रहा था। तो पीएफआई देश में इस्लामिक शासन चाहता है। पीएफआई ने इसके लिए नेताओं की हिट लिस्ट भी तैयार की हुई थी। खूनी खेल खेलने के लिए भी पीएफआई ने पूरी तैयारी की हुई थी। इस रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। रिमांड रिपोर्ट में खूनी खेल की तैयारी बाद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का पीएफआई का प्लान। चौंकिए मत, ये सब खुलासा हुआ है एनआईए की दाखिल रिमांड रिपोर्ट में। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत देश के करीब 15 राज्यों में एनआईए और ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। और जब इनमें 10 आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए केरल के एर्नाकुलम कोर्ट में रिमांड रिपोर्ट दाखिल की गई, तो उनमें कई खुलासे किए गए। ये रिमांड रिपोर्ट एबीपी न्यूज के हाथ भी लगी, जिसमें खुलासा किया गया है कि पीएफआई देश में इस्लामिक शासन चाहता है। यही नहीं, भारत में इस्लामिक शासन लाने के लिए पीएफआई खूनी खेल खेलने की तैयारी कर रहा था। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया गया कि पीएफआई ने एक समुदाय विशेष के नेताओं की हिटलिस्ट तैयार की। आप तस्वीरों में देखिए, यही वो एनआईए की रिपोर्ट है जिसे कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आरोपियों से पूछताछ और छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेज में पीएफआई की आतंकी साजिश की कुंडली है। अब आपको पाकिस्तान परस्त पीएफआई के कुछ वीडियोस दिखाते हैं। इन नारों की गूंज हम आपको नहीं सुना सकते। पाकिस्तान परस्त ये नारे भारत की जमीन पर बुलंद हो रहे हैं। वायरल वीडियो पुणे का बताया जा रहा है, जहां परसों पीएफआई के कार्यकर्ता जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे। पीएफआई के जिस प्रदर्शन में पाकिस्तान परस्त नारेबाजी की बात कही जा रही है, वो भी प्रशासन की अनुमति के बिना किया गया। अब पुलिस नारे वाले इस वीडियो की जाँच कर रही है और वहाँ की सरकार कार्रवाई का भरोसा भी दे रही है। देखिए, ये जो कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर अभी बोलना उचित नहीं होगा। ये पूरी कार्रवाई होने के बाद आधिकारिक रूप पर इसके ऊपर बयान आएगा। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ नेताओं की पीएफआई से हमदर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो पीएफआई की तुलना आरएसएस और बीएचपी से कर दी। जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बनते हैं, एक दूसरे के पूरक है। हालांकि अपने रिपोर्ट में एनआईए ने यह साफ कर दिया है कि पीएफआई का मकसद आतंक फैलाना है। इसलिए अहम सवाल यह है कि संगठन पर बैन कब लगेगा। मजबूरी है, हम क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।